हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षय शायर, वेलकम टू चैनल लकी वीड्स। तो गाइस, आज मैं आ गया हूँ जुलाई की समरी का वीडियो लेके। लास्ट 4-5 महीने से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन हाँ, अब से मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर महीने अपने टाइम पे समरी का वीडियो लेके आ पाऊँ आपके लिए। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएस के बारे में। तो आप सबको तो पता ही होगा कि यूएस में इस बार इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े होने वाला है। तो उसी इलेक्शन के रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप एक स्पीच दे रहे थे जहां पे उनके ऊपर गोली से अटैक हो जाता है। वो तो खुश नसीबी है कि गोली उनके कान के बाजू से चली गई और उनको कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई। उसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन का एक डिबेट भी हुआ था, जहां पे जो बाइडन के पास डोनाल्ड ट्रंप के सवालों के जवाब नहीं थे और उनको बहुत ही ज़्यादा शेमफुल होना पड़ा था सबके बीच में। तो उसी की वजह से अभी जो बाइडन की पॉलिटिकल पार्टी ने यह डिसाइड किया है कि वो इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो बाइडन को नहीं बल्कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को खड़े करने वाले हैं। तो ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता है होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस को हरा पाते हैं, जो एक इंडियन ओरिजिन है, और दूसरी बार यूएस के प्रेसिडेंट बन पाते हैं या नहीं। नंबर टू, अब हम बात कर लेते हैं यूके के बारे में। तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, जो एक इंडियन ओरिजिन थे, लेकिन वहाँ पे इस महीने इलेक्शन हुआ था जिसकी वजह से के स्टारमर ने ऋषि सुनक को बहुत ही बड़ी हार थमा दी है और अभी वो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। नंबर थ्री, अब हम बात कर लेते हैं इसराइल के बारे में। आप सबको तो पता ही होगा कि इसराइल और हमास का बहुत ही लंबे टाइम से वॉर चल रही है, लेकिन इस महीने वहाँ पर बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होती है क्योंकि हमास का जो लीडर है इस्माइल एनिया वो ईरान में था और इसराइल के लोगों ने ईरान में घुस के उसको मार दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके साथ साथ हिजबुल्ला, जो एक दूसरा टेररिस्ट ग्रुप है, उसके भी बहुत ही बड़े जनरल को लेबनान के कैपिटल में घुस के मार दिया है। तो देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या हिजबुल्ला अभी इसराइल से बदला लेगा और इसराइल कब तक ये सारे टेररिस्ट ग्रुप से लड़ पाता है। नंबर फोर, अब हम बात कर लेते हैं फुटबॉल कॉम्पिटिशन्स के बारे में। तो इस महीने दो बड़े फुटबॉल कॉम्पिटिशन्स हुए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोज के बारे में, जहां पे स्पेन ने इंग्लैंड को फाइनल में हरा के यूरोज अपने नाम किया है। और स्पेन के लिए जो बड़े सुपरस्टार रहे वो है यमी लमार और उसके साथ साथ निको विलियम्स, जो सिर्फ 17-18 साल के ही है। उन्होंने स्पेन को जीतने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया था। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कोपा अमेरिका के बारे में, तो वहाँ पे अर्जेंटीना ने फिर से ये कोपा अमेरिका अपने नाम कर लिया है और उसके साथ साथ दो कंटिन्यूस कोपा अमेरिका भी अर्जेंटीना जीत चुका है। अब हम बात कर लेते हैं क्रिकेट के बारे में। तो आप सबको तो पता ही है कि लास्ट मंथ हमने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। तो उसके बाद अभी गौतम गंभीर इंडिया के नए कोच बन चुके हैं। उसके साथ साथ उन्होंने आते ही बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर दिए हैं, जो हमारे लिए वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, उनको नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव को अभी T20 का नया कप्तान बना दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने शुभमन गिल को इंडियन T20 टीम का वाइस कैप्टन भी बना दिया है। और उसी के साथ साथ अभी इंडिया और श्रीलंका की T20 सीरीज थी, जहां पे इंडिया ने श्रीलंका को 3-0 से हरा दिया है। नंबर फाइव, हम बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बारे में। तो हमारे इस ओलंपिक्स में जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इंडिया के लिए दो ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं और दोनों मेडल हमारे लिए हमारे शूटर मनु भाकर जी लेके आई है। हम उनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू विश करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हम ये भी होप करेंगे कि टोक्यो ओलंपिक से ज़्यादा सक्सेसफुल हमारे लिए ये पेरिस ओलंपिक्स रहे। और आपको अगर पूरा ओलंपिक्स का रिजल्ट चाहिए तो मैं मेरे नेक्स्ट मंथ की समरी में आपके लिए पूरा ओलंपिक्स का रिजल्ट लेके आऊँगा। उसके लिए आप मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नंबर सिक्स, अब हम बात कर लेते हैं इस महीने आए बहुत ही बढ़िया मूवीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कल की मूवी के बारे में, जो इस साल की सबसे सक्सेसफुल मूवी बन चुकी है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें मार्वल के बारे में, तो मार्वल ने भी अपना एक नया मूवी रिलीज कर दिया है जिसका नाम है डेडपूल एंड द वुल्वरीन। वो भी अभी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और फेमस हो रहा है, लेकिन ये तो बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट मार्वल वाले ने ये कर लिया कि उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को फिर से रिटर्न करने के लिए मजबूर कर दिया और वापिस वो रिटर्न करने वाले हैं। जी, आपने सही सुना है, लेकिन नॉट एज आयरन मैन, बल्कि अभी वो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या वो आयरन मैन की तरह ही डॉक्टर डूम को भी एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना पाते हैं या फिर नहीं। तो गाइस, आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले मंथ की समरी के वीडियो के में।